वेलकम टू एंटरटेनमेंट फॉर यू और फिल्मी जानकारी। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में हर दूसरी फिल्म साउथ फिल्म की रीमेक होती है और कॉपी होती है, और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं साउथ की आने वाली टॉप 10 फिल्म जो कि हिंदी में रीमेक हो चुकी हैं, किसी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, कोई फिल्म रिलीज होने वाली है और कितनी फिल्में आने वाली है। तो आज का वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। दोस्तों, पहली फिल्म का नाम है शहजादा। शहजादा में लीड रोल में है कार्तिक आर्यन और कीर्ति सनन। फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित धवन ने और ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है आला वैकेंट प्रोमलो को, जिसमें लीड रोल में थे अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े। फिल्म इंडस्ट्रियल हिट थी और काफी अच्छी थी। बात करते हैं दूसरी फिल्म के बारे में, तो दूसरी फिल्म का नाम है सेल्फी। सेल्फी 24 फेब 2023 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में है अक्षय और इमरान हाशमी। ये ऑफिशियल रीमेक है मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का और वो फिल्म काफ़ी अच्छी थी। हालांकि उस फिल्म का हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, तो सेल्फी कमाई कर सकती है। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, फिल्म के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं और ये फिल्म 24 फेब 2023 को आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में देख सकते हो। तीसरी फिल्म का नाम है भोला। भोला ऑफिशियल रीमेक है तमिल फिल्म कैथी की। भोला में लीड रोल में है अजय, तब्बू और बहुत सारे बेहतरीन कलाकार। फिल्म के दो टीजर भी आ चुके हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म के एक्शन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 30 मार्च 2023 को और ये फिल्म कैथी की रीमेक कैथी 2019 की ब्लॉकबस्टर लिस्ट में से एक। चौथी फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन किचन। फिल्म ये फिल्म ड्रामा होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में है सानिया मल्होत्रा और ये फिल्म सेम नेम से रिलीज होने वाली है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसका भी नाम था द ग्रेट इंडियन किचन। वो फिल्म OTT पर रिलीज हुई थी और काफ़ी अच्छी, और वो फिल्म क्रिटिकली सक्सेस थी और रीमेक फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है। पांचवी फिल्म का नाम है छत्रपति और छत्रपति एक्शन ड्रामा होने वाली है। इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं बलाकोंडा श्रीनिवास और साथ ही फीमेल लीड हैं नुसरत बारूचा। ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है छत्रपति की, जिसमें लीड रोल में थे प्रभास और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। फिल्म काफी अच्छी थी और आप छत्रपति को हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। छठी फिल्म का नाम है गुमराह। गुमराह क्राइम थ्रिलर है, इसमें लीड रोल में है आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर और इसमें मृणाल ठाकुर एक कॉप की भूमिका में है। ये ऑफिशियल रीमेक 2019 में आई थड़म का और वो फिल्म सुपर हिट थी। फिल्म में अरुण विजय लीड रोल में थे और ये काफ़ी अच्छी फिल्म थी और उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में देखने लायक था, और साथ ही इस फिल्म को आप हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो जो कि फ्री में अवेलेबल है। सातवीं फिल्म का नाम है अय्यपम कुशियम और ये फिल्म को रीमेक कर रहे हैं और इस फिल्म में लीड रोल में है अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम। हालांकि जॉन ने इस फिल्म का जो रीमेक राय थे 2022 में खरीद लिए और साथ ही फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई है। ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है अय्यपम कुशियम का और उस फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज सुकुमार। वो काफी अच्छी फिल्म थी। फिल्म की कहानी बाकी फिल्मों से काफी हटके बनाई गई और फिल्म को क्रिटिकली सक्सेस मिली थी। आठवीं फिल्म का नाम है सूर्या। सूर्या क्राइम थ्रिलर होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में है सनी देओल, रवि किशन और बहुत सारे बेहतरीन कलाकार हैं। ये कहानी है एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की जो कि काफ़ी एक्टिव है और इस एज में भी वो काफ़ी अच्छे केस सुलझा लेता है। फिल्म ऑफिशियल रीमेक 2018 में आई जोसेफ का और ये मलयालम फिल्म। नवी फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान, जो कि ईद 2023 में रिलीज होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में सलमान खान, पूजा हेगड़े और वेंकटेश। फिल्म को डायरेक्ट किया है फरहाद सामजी ने और ये ऑफिशियल रीमेक है वीरम का। हालांकि ऑफिशियल रीमेक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उससे इंस्पायर स्टोरी है, और कितनी इंस्पायर स्टोरी है ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि ये इंस्पायर है या फिर फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। दसवीं फिल्म का नाम है सुररई पोटारू। इस फिल्म का हिंदी नाम था उड़ान और इस फिल्म को हिंदी में रीमेक कर रहे हैं अक्षय कुमार और सेम डायरेक्टर और सेम प्रोड्यूसर इस फिल्म को हिंदी में बना रहे हैं। फिल्म में नेगेटिव रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे परेश रावल। फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.7 out of 10 और ये फिल्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, ये थी टॉप 10 फिल्म जो कि हिंदी में रीमेक होने वाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।